हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फिर से नए डिजाइन का डोरमेट बनाना बताऊंगी। तो जिसे हमने तीन कलर लिए हैं, एक मैंने इसमें ब्लैक कलर लिया है, पिंक कलर लिया है और ग्रीन कलर लिया है। और मैंने यहाँ से शुरू से इसमें 22 फंदे डाले हैं शुरू से। और मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कली बना ली है, 2 कली और बनाएंगे। हमने ये 10 कली वाला डोरमेट बनाया है। तो देखो फ्रेंड, हमने इसमें 22 फंदे डाले हैं। आप इससे बड़ा बनाना चाहते हो तो यहीं से फंदे ज़्यादा डाल लें, शुरू से ही फंदे ज़्यादा डाले मैंने। तो हमने जिस तरह से ये कली बनाई है उसी तरह से हम आपको ये वाली कली भी बनाएंगे। सेम इसी तरह से हमने ये वाली कली बनाई है, उसी तरह से हम इनको बनाएंगे। तो पहले हमने ग्रीन कलर से फंदे डाल लेने हैं और हम पहली सिलाई को पहले फंदे को स्लिप। तो देखो फ्रेंड, हमने फंदे डाल लिए हैं और हमने इसमें 22 फंदे डाले हैं। अब यहाँ से हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और पहली रो हम बना रहे हैं फंदे डाल के। इसी तरह हमने शुरू से बनाया है। तो देखो, बहुत इजी और आसान तरीके से हम आपको ये बनाना बता रहे हैं, आप इसे इजीली बना सकते हो। ये देखो, ये देखो, इस तरह से पूरी सिलाई को। अब हमारे यहाँ पे दो फंदे रह गए हैं आगे के। इन दो फंदों को यहीं छोड़ देंगे और यहीं से पलटते हुए सीधी सिलाई को सीधा बना लेंगे, दो फंदे छोड़ते हुए। ये देखो, पूरी सिलाई को हमने सीधा सीधा बना लेना है। अब लास्ट का फंदा बचा है, इसको हम वूल पीछे करके इसको हम सीधा बनाएंगे। ये वाला फंदा हमारा सीधा रहेगा, इससे हमारी ये लास्ट में जो है एकदम फिनिशिंग आएगी। अब हम पलट लेंगे। अब हम फिर से उल्टी सिलाई पे आ जाएंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे जो हमारी दूसरी सिलाई होगी। आप इसे पुरानी साड़ी, पुराने दुपट्टे से भी बना सकते हो। ये देखो, अब हमारी दूसरी सिलाई है, फिर से हम दो फंदे छोड़ेंगे। हर सिलाई पे दो दो फंदे छोड़ेंगे लास्ट में। अब हम यहीं से पलट लेंगे दो फंदे छोड़ते हुए। इसी तरह हमने दो दो फंदे छोड़ते हुए ये देखो आगे तक जाना है, ऊपर तक दो दो फंदे छोड़ते हुए हमें यहीं तक आना है। अब सीधी सिलाई को सीधा बनाएंगे, ये देखो, अब फिर से लास्ट फंदा है, वूल पीछे करके इसको हम सीधा बना लेंगे। ये फंदा हमारा सीधा रहेगा, बाकी के हमारे उल्टे रहेंगे, फिर पलट लेंगे। अब ये हमारी तीसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई पे हर सिलाई पे हम दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे लास्ट में, ये देखो। फिर से हम दो फंदे छोड़ेंगे। तो हमने दो दो करते हुए 3 2 2 4 2 6 6 फंदे छोड़ दिए हैं और यहीं से हम पलटेंगे। सीधी सिलाई है, सीधी सिलाई को ये देखो इस तरह से दोनों साइड से हमारा उल्टा ही बनेगा, बाकी लास्ट का फंदा है उसको हम सीधा बना लेंगे। ठीक है, ये देखो ये लास्ट का फंदा है, वूल पीछे करके इसको सीधा बना देंगे। तो इसी तरह हम दो दो करते हुए ऊपर तक सारे फंदे छोड़ लेते हैं
और फिर आपको आगे दिखाएंगे। तो देखो फ्रेंड, हमने दो दो करते हुए सारे फंदे छोड़ दिए हैं ऊपर तक, ये देखो। तो अब हम अपना ये पिंक कलर लगाएंगे यहीं से, ये देखो हमने अपना पिंक कलर को लगा लेना है। जो हमने छोड़े थे इनको सारे फंदों को पिंक कलर से इस तरह से बना लेंगे। देखो उल्टी सिलाई हमने बना ली है, अब हम सीधी सिलाई पे हैं, ये देखो। तो सीधी सिलाई को इस तरह से सीधा सीधा, सॉरी उल्टा उल्टा बनाएंगे दोनों साइड से। पहले एक सिलाई को हम इस तरह से बना लेते हैं, ये देखो। इसी तरह हमने आगे की सारी कलियों में डिजाइन को डाला है। लास्ट का फंदा है, इसको हमें सीधा सीधा बनाना है। ये देखो हमारा सीधा सीधा बनाने से हमारी एकदम फिनिशिंग आएगी और एकदम रो जो है लास्ट की एकदम गोल आएगी। अब हम पलटते हुए सीधी सिलाई बना लिए हैं, अब उल्टी सिलाई पे आ चुके हैं। तो उल्टी सिलाई पे हमने अब यहीं से हम पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और ये दो फंदे हम अपने पिंक कलर से बनाएंगे। अब हम अगला ब्लैक कलर को डालेंगे जिस तरह से हमने ब्लैक कलर लगाया है, ये देखो। दो फंदे बनाने के बाद ब्लैक कलर, ये देखो। अब हम यहां से ब्लैक कलर को लगा लेंगे, एक और दो, दो फंदे हम ब्लैक कलर से बनाएंगे और दो फंदे हम पिंक कलर से। फिर से हम दो फंदे अपने पिंक कलर से बना लेंगे, एक और दो। अब दो फंदे ब्लैक से, एक दो। फिर हम दो फंदे अपने पिंक कलर से, एक दो, ये देखो एक दो। फिर हम अपने पिंक कलर से एक, इसी तरह हमने दो दो फंदे अब हमारे लास्ट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे दो फंदे रह गए जो हमारे पिंक कलर के, इनको नहीं बनाना है, इन्हें यहीं छोड़ के दो फंदे छोड़ देंगे और यहीं से हम पलट देंगे। अब जो फंदा जिस कलर का है उस कलर से बनाएंगे सीधी सिलाई पे, ये देखो। ब्लैक वाले हैं तो ब्लैक से बनाएंगे, पिंक वाले हैं तो पिंक से बनाएंगे। वूल पीछे कर देंगे और पिंक वाले वूल को आगे लेंगे, ये देखो पिंक वाले पिंक से बना लिए, ठीक है। फिर हम वूल पीछे करेंगे, ब्लैक वाली वूल को आगे लाएंगे, वूल पीछे करेंगे, ये देखो। ठीक है, फिर वूल पीछे कर देंगे, ब्लैक वाली को पीछे करके पिंक वाली आगे लाके पिंक से बना लिए। फिर हमने ये देखो ब्लैक वाली आगे लाएंगे, दोनों फंदे ब्लैक से बनाएंगे। तो सीधी सिलाई तो हमारी जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बनाएंगे, वूल पीछे कर देंगे, ये पिंक वाली आगे लाएंगे। तो एक फंदा हमारा उल्टा रहेगा और लास्ट वाला हमारा ये सीधा रहेगा, वूल पीछे करके इस फंदे को सीधा बना लें, ये देखो, ठीक है। अब हम फिर से पलट लेंगे, पलट के हम उल्टी सिलाई पे आ जाएंगे। तो उल्टी सिलाई पे हमने पहले फंदे को स्लिप करेंगे, पहला फंदा स्लिप किया। अब हम ये देखो, अब हमारा ये हमारा अब जो सॉरी पहला फंदा है ये हमारे पिंक वाले हैं, इन्हें हम ब्लैक से बना लेंगे। ये देखो ये फंदे हमारे जो
पिंक वाले थे उन्हें हमने ब्लैक से बनाया, अब जो ब्लैक वाले फंदे हैं इन्हें हम पिंक से बनाएंगे। ये देखो अब हमारे पिंक वाले हैं उन्हें हम ब्लैक से बना लेंगे। ये देखो उल्टी सिलाई पे हमने फंदे को बदल देना है, जो पिंक वाले हैं उन्हें ब्लैक से और जो ब्लैक वाले हैं उन्हें हम पिंक से बना देंगे। ये देखो ये ब्लैक वाले आ चुके हैं इन्हें हम पिंक से बना देंगे। अब ये पिंक वाले हैं इन्हें हम ब्लैक से बनाएंगे। ठीक है, अब हमने इतने फंदे बनाने के बाद आगे के दो फंदे रह गए हैं, दो हमारे पिंक के थे पहली सिलाई के, दो हमारे दूसरी सिलाई के ब्लैक हैं। अब हम यहीं से पलट लेंगे, सीधी सिलाई आ चुकी है और सीधी सिलाई पे जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बना देंगे। ये देखो ये देखो जो फंदा जिस कलर का है ब्लैक वाले आ चुके हैं तो इन्हें हम ब्लैक से बनाएंगे। लास्ट का फंदा है इसको हम वूल पीछे करेंगे और इसको हम सीधा बनाएंगे। ठीक है, ये देखो हमने सीधा बनाया, इस तरह से हमारी डिजाइन में जो हमारी एकदम फिनिशिंग आएगी। अब हम फिर से उल्टी सिलाई पे हैं, उल्टी सिलाई पे ही हमने फंदों को चेंज करना है और डिजाइन हमारा इस तरह से बनेगा। तो अब हम जो हमारे अब ब्लैक वाले हैं शुरू में तो इन्हें हम पिंक से बनाएंगे। ये देखो ये ब्लैक वाले हैं इन्हें हम पिंक से बना लेंगे। अब ये हमारे पिंक वाले हैं इन्हें हम ब्लैक से बना देंगे। फंदों को बदल देना है, जो पिंक वाले हैं उन्हें ब्लैक से और जो ब्लैक वाले हैं उन्हें पिंक से, और लास्ट में दो फंदे छोड़ देने हैं। हर सिलाई पे दो दो फंदे हमें छोड़ देने हैं। ये देखो अब हमारी तीसरी सिलाई है, इन्हें हमने दो फंदों को छोड़ देना है। अब यहीं से हम पलट लेंगे, पलट के ये देखो जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बना देंगे। इसी तरह हमने डिजाइन को बनाना है। ये देखो बहुत आसान है इसको बनाना। ये देखो पहले फंदा इसको उल्टा बनाया और लास्ट वाले फंदे को वूल पीछे करके सीधा बना दिया। अब हम उल्टी सिलाई पे आ चुके हैं, तो ये हमारे पिंक वाले फंदे हैं शुरू में, इन्हें हम ब्लैक से बना देंगे। ये देखो अब ये हमारे ब्लैक वाले हैं इन्हें हम पिंक से बना लेंगे। ये देखो ठीक है, अब हम यहीं से पलट लेंगे। तो देखो फ्रेंड हम फिर से उल्टी सिलाई पे आ चुके हैं, तो जो हमारे ब्लैक वाले फंदे हैं उन्हें हमने पिंक से बना लिया, पिंक वाले ब्लैक से बना लेंगे। ये देखो अब ब्लैक वाले आ चुके हैं इन्हें हम पिंक से बना लेंगे। ये ब्लैक वाले हैं, फिर से हम दो दो फंदे करते हुए हमारे दो दो चार दो छः दो आठ आठ फंदे हम इस तरह से छोड़ते हुए ऊपर तक आना है और यहीं से हम पलट लेंगे। अब जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बना देंगे, फूल को पीछे करेंगे। ये देखो
ब्लैक वाले हैं, ब्लैक से बना लेंगे। लास्ट का फंदा है, इसको सीधा बना लेंगे। तो देखो फ्रेंड, हमने दो दो करते हुए ऊपर तक सारे फंदे छोड़ दिए हैं। अब हम पूरी फंदे छोड़ने के बाद अब पूरी सिलाई को अपना जैसे जिस तरह से पहले हमने पिंक से बनाए थे उसी तरह हम अब सारे फंदे छूटे हुए को भी बना लेंगे। ये देखो, ये हमारे सारे फंदे छूटे हुए को हम एक ये देखो पिंक कलर से बना लेंगे। ये देखो ठीक है, अब हम यहीं से पलट लेंगे। अब सीधी सिलाई को ये देखो, अब हम यहीं से फंदे बंद कर देंगे। डोरमेट बनके कंप्लीट है। इसी तरह हमने डिजाइन को बना के कंप्लीट कर लिया है। अब फंदे बंद कर लेते हैं। तो फंदे हम इस तरह से बंद करेंगे दो का एक करते हुए। यहीं से हमने बनाने के बाद पिंक कलर को अब हम फंदे बंद करेंगे, वापस सिलाई में डाल देंगे। ये देखो, वापस सिलाई में डालेंगे दो का एक करते हुए। ये देखो, तो देखो फ्रेंड, हमने सारे फंदे बंद कर दिए हैं दो का एक करते हुए। यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों पर्दों को पकड़ते हुए हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो देखो फ्रेंड, हमने एक इसमें ये पेंसिल से फ्लोवर बनाया है और इसमें हमने यहाँ पे निडल से लगा देना है। तो डोरमेट एकदम बन के कंप्लीट है। तो फ्रेंड, आपको ये डोरमेट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।